नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के सेकंड रिजल्ट की पूरी प्रक्रिया के बारे में कि दोस्तों कब क्या होना था और क्या हो गया। यानी कि दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन देता है यूपी बोर्ड और कुछ करता है, कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर कर क्या रहा है। तो दोस्तों हम आपके लिए इस वीडियो में संपूर्ण प्रक्रिया बताने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं रिजल्ट के बारे में। दोस्तों जो रिजल्ट यहाँ पर घोषित किया गया था कि 20 दिसंबर को यहाँ पर रिजल्ट आना है, तो कब आना है? 20 दिसंबर 2018 को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों 20 दिसंबर को न आके यह 2 दिन बाद यानी कि 22 दिसंबर को घोषित किया गया। ये भी दोस्तों कभी किसी को पता ही नहीं चला कब कब यह घोषित किया गया था। दोस्तों रिजल्ट बताया कभी गया और कब इसको घोषित किया गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 दिसंबर को रिजल्ट आना था, लेकिन 20 दिसंबर को न आकर 2 दिन बाद वेट करवा के यह 22 दिसंबर को डाला गया और 22 दिसंबर को यह घोषित किया गया। और दोस्तों यह भी रात में घोषित किया गया, लगभग 12-1 बजे के समथिंग यह रिजल्ट आया था। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ के बारे में। रिजल्ट का तो हो गया दोस्तों, कट ऑफ के बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पर। कट ऑफ के बारे में दोस्तों, कट ऑफ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो यूपी बोर्ड ने सेकंड रिजल्ट के लिए कट ऑफ डाला था, इसमें दोस्तों जनरल वालों का यहाँ पर था 215 और यहाँ पर दोस्तों ओबीसी वालों का था 204 नंबर, और एससी वालों का दोस्तों यहाँ पर 172 नंबर था, और एसटी वालों का था यहाँ पर 135 नंबर। और दोस्तों वहीं महिलाओं की बात करें तो इनका था केवल 181 नंबर था, जो कि क्वालिफाई के लिए बहुत ज़्यादा थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो कट ऑफ यूपी बोर्ड ने डाला है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। हुआ क्यों? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका यहाँ पर नंबर जो है भाई कट ऑफ से भी बहुत ज़्यादा निकल गए हैं, फिर भी उनका यहाँ पर क्वालिफाई नहीं किया गया है। जैसे कि बात करें जनरल वालों की, दोस्तों जनरल वालों का 215 कट ऑफ है, लेकिन 220 नंबर वाले भी यहाँ पर डिसक्वालीफाई कर दिए गए हैं। 215 बार डिसक्वालीफाई कर दिए गए हैं, 217 बार डिसक्वालीफाई कर दिए गए हैं, और दोस्तों 212, 213, 14, 15 जो यहाँ 215 के लगभग आसपास जितने भी लोग भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। यानी कि दोस्तों 215 से 5 माइनस करो तो 215 से प्लस यानी 220 या 210 नंबर तक के विद्यार्थियों को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया, यानी कि फेल कर दिया, पास नहीं किया है। कुछ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका नंबर जो है भाई कट ऑफ से भी ज़्यादा आ रहा है। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ओबीसी की, तो ओबीसी का यहाँ पर जो कट ऑफ रहा था यह दोस्तों 204 नंबर का रहा था, लेकिन दोस्तों 204 नंबर ना रहकर इसका कट ऑफ पता नहीं क्या डाल दिया, क्योंकि दोस्तों ओबीसी वालों की भी यहाँ पर 210 नंबर पर डिस्क्वालीफाई कर दिया, 205 नंबर पर डिस्क्वालीफाई कर दिया, 206 नंबर पर डिस्क्वालीफाई कर दिया, 207 नंबर पर भी इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, लेकिन पास नहीं किया है। यह दोस्तों बोर्ड की क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस से यह रिजल्ट जारी किया गया या कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्या दोस्तों? यह बहुत बड़ी यहाँ पर गड़बड़ी हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों यह जो यूपी बोर्ड है यह बहुत ज़्यादा यहाँ पर सावधानी बरत के कार्य करता है, लेकिन दोस्तों पता नहीं जो प्रॉब्लम हो जाती है तो यह कैसे हो जाती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये जो नंबर आ रहे हैं भाई कट ऑफ से ज़्यादा नंबर वालों की भी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों। यही ऐसा ही हुआ है एसटी वालों के, एससी वालों के साथ और एसटी वालों के साथ। इनका भी दोस्तों एसटी वालों का कट ऑफ 172 रहा है, लेकिन दोस्त 85-80 वालों को भी यहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाया है। वहीं दोस्तों एसटी वालों की बात करें तो 135 इनका कट ऑफ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी इनका 140 नंबर तक वालों का भी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया है। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर महिलाओं की, दोस्तों महिलाओं की यहाँ पे 190 नंबर वाली भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका यहाँ पर 185, 86, 190 नंबर है, लेकिन इनको भी डिसक्वालीफाई कर दिया है यानी क्वालिफाई नहीं किया है दोस्तों। ये जो भी हो रहा है यह सब नॉर्मलाइजेशन के कारण ही हो रहा है, और क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के कारण ही कुछ विद्यार्थियों के यहाँ पर ज़्यादा नंबर इंक्रीज होने के बाद भी यहाँ पर क्वालिफाई कर दिया जाता है, और दोस्तों जो जिन विद्यार्थियों के यहाँ पर कट ऑफ
से भी ज़्यादा नंबर रहते, उनका इस नंबर लग ही नहीं पाता है। अब दोस्तों ऐसे ही बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल प्रक्रिया की, जो कि यहाँ पर 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों 24 तारीख से जो स्टार्ट होने वाला है वह फिजिकल 40,000 विद्यार्थियों का नहीं है, वह केवल 5,000 विद्यार्थियों का यहाँ पर क्वालिफाई किया, जो कि 62,000 विद्यार्थियों में से बचे शेष विद्यार्थी थे 5,000 के समथिंग, उनका यह फिजिकल होने वाला है 24 से 27 दिसंबर तक। कब से? 24 से 27 दिसंबर तक, जो यहाँ पर लखनऊ और मेरठ में यहाँ पर जो फिजिकल होने वाला है लखनऊ और मेरठ में, दोस्तों यह 5,000 विद्यार्थियों का हो रहा है, ना कि 40,000 विद्यार्थियों का। और दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर जो 40,000 विद्यार्थी यहाँ पर सेकेंड रिजल्ट में क्वालिफाई किए गए हैं, इनका जो फिजिकल है यह कब से स्टार्ट होगा? तो दोस्तों यह स्टार्ट होने वाला है कब से? 28 या 29 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो 27 तारीख के बाद यह ख़त्म होगा 5,000 विद्यार्थियों के। इसके बाद 27, 28, 29, 30 तारीख तक यह जो फिजिकल होने वाला है, यह जो 40,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए हैं दूसरे रिजल्ट का, इनका यहाँ पर फिजिकल होगा, ठीक है। यानी कि पहले दोस्तों यहाँ पर DB होगा, उसके बाद यहाँ पर PST होगा। पहले क्या? DB होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी रनिंग होगी और फिटनेस टेस्ट होगा। तो दोस्तों यह वीडियो अब होता है यहीं पर समाप्त है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी नया अपडेट या वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।